Assalamu alaikum students. Today we are going to learn about difference between monocot and dicot plants. Okay, I hope you are doing fine. Aur kal jo aapko monocot difference maine monocot dicot ki understand karwai thi terminology wo aapko acche se understand hui hogi. अच्छा मोनोकॉट डाइकॉट का डिफरेंस प्रॉपर तरीके से देखने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो मैं चाहूँगी कि आपकी क्लियर हो जाए. सीड्स का आप सबको पता है, ठीक है. सीड्स वो जो हमें ग्रो करवाने के लिए चाहिए होती हैं. अगर आप इसको सो करोगे, ठीक है, तो एक नया प्लांट ग्रो करेगा. दीज आर द राइस सीड्स, ठीक है. तो हम सीड्स को यूज़ करेंगे. सीड्स के बाद आते हैं कॉटिलेडन. अक्सर आप में से बच्चों को दालें बहुत पसंद होगी. हम हमारे घरों में अक्सर बनती रहती हैं चने की दाल, ठीक है. वो बनती कैसे है किसी को पता है? जो चने का बीज होता है, ठीक है, उसको मसल के जब तोड़ा जाता है तो उसके दो हिस्से बन जाते हैं. हम कहते हैं कि ये दाल बन गई है, ठीक है. तो यही उसका कोटिलेडन है, ठीक है. ये देखिए, ये हमारे पास आलमंड का सीड है. अगर मैं इसको तोड़ूँगी तो ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. मतलब ये आलमंड सीड के टू कोटिलेडन्स हैं, ठीक है. दो हिस्से हैं उसके जिसमें फूड स्टोर है. क्लियर है कोटिलेडन भी. थर्ड हमारे पास है वेन्स ऑफ लीव्स. जो पत्ते होते हैं उनकी लीव्स, ये देखें, ये पत्ता आपको नज़र आ रहा है सबको. ये देखें, इसमें लाइनें बनी हुई हैं प्रॉपर, ठीक है. इन लाइंस को, ये जो हमारे पास हैं, हम इनको कहेंगे ये वेन्स हैं, लीव्स की वेन्स हैं, ठीक है. फिर हमारे पास फ्लोरल लीव्स आती हैं या फ्लावर आते हैं, ठीक है, उसकी लीव्स आएंगी, ठीक है. तो हम अपना डिफरेंस स्टार्ट करते हैं. ये देखिए, सबसे पहले आपने एक टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है. उसमें लेबलिंग होगी हमारे पास सीड, लीफ और फ्लावर की. तीन पार्ट्स में ये टेबल हमारा डिवाइड होगा, ठीक है क्लास. पहले पार्ट में हमने सीड्स को देखना है, दूसरे पार्ट्स में हमने लीफ को देखना है, तीसरे पार्ट में हम फ्लावर्स को देखेंगे. तो पहले पार्ट में हम सीड देखेंगे, ठीक है. अब ये आलमंड का सीड मैंने रखा हुआ है. मुझे बताएं आलमंड के सीड में कितने कोटिलेडन्स हैं? टू कोट, कितने? वन है कि टू है? टू है, ठीक है. तो आलमंड सीड हैव टू कोटिलेडन्स. तो कल आपने पढ़ा था ना डेफिनेशंस, मुझे बताएं आलमंड मोनोकॉट हुआ या डाइकॉट हुआ? इसमें टू कोटिलेडन्स हैं. वेरी गुड, डाइकॉट, ठीक है. टू कोटिलेडन्स, the seed of almond have two cotyledons, so it is a dicot. आगे ये हमारे पास किसके seeds हैं? Rice, ठीक है. Rice को आप दो बराबर हिस्सों में तोड़ सकते हो, in equal two pieces? No. तो ये कौन सा हुआ हमारे पास? One cotyledon. इसके अंदर कितने हुए? One cotyledon in the seed. तो ये कौन सा plant हुआ? Monocot. Very good. ठीक है, ये वो चीज़ें जो आपको पहले से आती थी, ठीक है. आज हम न्यू करेंगे. ये देखें, ये मैंने एक ग्रास का लीफ रखा है. ये बहुत छोटा था कि इसके मैंने ये साथ में ड्रॉ भी कर दिया, थोड़ा सा बड़ा करके, ताकि आपको क्लियर हो. इस तरह के आपने प्लांट्स के लीव्स देखे हैं, ठीक है. अब देखिए, इनकी वेन मैंने बनाई है. ये बिल्कुल पैरेलल हैं एक दूसरे के. ये पैरेलल एंटी पैरेलल टर्म्स आपको अंडरस्टैंड हैं फोर्थ से? चले ठीक है. ये देखें, जो दो लाइन्स आपस में इस तरह से ड्रॉ करते हैं ना, ये पैरेलल होती हैं, ठीक है. जो इस तरह से ड्रॉ की जाती हैं, ठीक है, ये एंटी पैरेलल होती हैं, एक इस तरह से, एक इस तरह से, ठीक है. तो आई होप ये आपको पहले से आता है. तो ये वेन्स पैरेलल हैं, वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है. मोनोकॉट जो लीफ होता है, मोनोकॉट लीफ, ठीक है,